इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कूल फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपकी आप अपनी बजटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमें पता है, जब हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हैं तो बजटिंग हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। हमें पता नहीं होता हमारा पैसा कहाँ पर जा रहा है ना, लेकिन बजटिंग की हेल्प से हमें पता लगा सकते हैं कि कहाँ हमारा पैसा सेव हो रहा है, किधर किधर खर्च हो रहा है, पूरा ट्रैक कर सकते हैं। तो आज उसी को मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आपको पता है IND मनी, और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पूरे अपने पैसे को यहीं पे ही ट्रैक कर सकते हैं, कितने सारे ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं, है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम अलग अलग जगह जाते हैं अपने पैसे को देखने, है ना, ट्रैक करने, लेकिन यहाँ इस एक ही पोर्टल से आपकी सब चीज़ें प्रॉपर यूज़ हो सकती हैं, है ना। आप यहाँ पे इंश्योरेंस रिलेटेड देख सकते हैं, SIPs देख सकते हैं, है ना। जितने कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ आप चेक कर सकते हैं। अपनी माई गोल्स, जो भी आपकी गोल्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, जितने भी आपके गोल्स हैं लाइफ से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये मैंने ऐसे रैंडमली नंबर डाल दिए हैं, है ना। तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बजटिंग का आपको बता रहा हूँ वो है बेसिकली ये। सो जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें आप हर मंथ जहाँ जहाँ आपका पैसा गया है वो आपको बता देगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, पेमेंट मेरा 40% हुआ है, इन्वेस्टमेंट में मेरा 26 गया है, सेल्फ ट्रांसफ़र मैंने खुद इतना किया, शॉपिंग इतना हुआ है, वॉलेट ट्रांजेक्शन इतना हुआ है, इंश्योरेंस इतना हुआ है, एंटरटेनमेंट, मोबाइल एंड बिल्स, ट्रैवल्स, मेडिकल्स, फूड एंड बेवरेजेस। तो यानी कि इसकी हेल्प से आपने पूरे, इसने कैटेगराइज कर दिया आपको, है ना, कैटेगराइज करके दे दिया कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है। तो आप इसको देखकर अपने पैसे को वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप फूड एंड बेवरेजेस में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल्स में, तो आप वहाँ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में, शॉपिंग्स में, है ना। तो ये ही इतना इतना सा ऑप्शंस जो IND मनी ने अभी ही काफ़ी टाइम हो गया वैसे लॉन्च किए हुए, लेकिन इसकी हेल्प से आप अपनी बजटिंग को बहुत बेटर बना सकते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुझे पता चल जा रहा है फूड एंड बेवरेज कितना हो पा रहा है मेरा, मेडिकल कितना, ट्रैवल कितना हो रहा है ना, एंटरटेनमेंट कितना हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत कम हो गई हैं मेरी, शॉपिंग ज़्यादा नहीं है ना, एंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं है, ट्रैवल ज़्यादा नहीं है, मेडिकल ज़्यादा नहीं है, फूड एंड बेवरेज ज़्यादा नहीं है, जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं, पेमेंट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना, शॉपिंग भी ठीक ही है, इंश्योरेंस जो ज़रूरी है वो ज़्यादा है ना। तो यानी कि आप इससे पूरी बजटिंग कर सकते हैं और मंथली कर सकते हैं। जैसे आपको अगस्त का दिख रहा है, ऐसे ही आप अब आप प्रीवियस मंथ्स का कर सकते हैं, ऐसे ही आप आने वाले मंथ्स का देख सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है, आपको ये करना चाहिए, इस एप्लीकेशन को, IND मनी को, जिससे आपकी बजटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो सकती है और आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।